यूपी चुनाव से पहले बीजेपी छोड़ सपा में जाकर बड़े बड़े दावे करने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने की बात तो दूर, खुद विधानसभा भी नहीं पहुंच पाए। मौर्य बीजेपी को तेवर दिखा रहे थे, मोदी और योगी को सबक सिखाने की बातें कर रहे थे, लेकिन वो भूल गए थे यूपी में बुलडोजर बाबा बैठे हैं। हालांकि नतीजों के बाद अब मौर्य को भी अपनी ताकत का अंदाजा हो गया है। बीजेपी ने ऐसी जाल बिछाई कि मौर्य उसमें बुरी तरह फंस गए। पडरौना छोड़ फाजिलनगर से चुनाव लड़ने पहुंचे स्वामी प्रसाद मौर्य को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा। उनको बीजेपी प्रत्याशी सुरेंद्र कुशवाहा ने पराजित किया। बीते दिनों मौर्य ने ट्वीट करके हार स्वीकार कर ली और जीतने वाले प्रत्याशियों को बधाई दी। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि आखिर मौर्य बीजेपी के जाल में फंसे कैसे। माना जा रहा है कि मौर्य के हारने में आरपीएन सिंह का प्रभाव दिखा। आरपीएन सिंह ने जिले की सभी 7 सीटों में चुनाव प्रचार की कमान संभाली थी। आरपीएन सिंह के बीजेपी में शामिल होने के बाद पडरौना से कांग्रेस प्रत्याशी भी बीजेपी में आ गए और उन्हें बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ाया गया। उनका चुनाव संचालन कार्यालय ही आरपीएन सिंह के दरबार में बना। आरपीएन दिन रात इसकी मॉनिटरिंग कर रहे थे। बीजेपी नेतृत्व को भी उन पर भरोसा था। कुशीनगर में केवल फाजिलनगर में ही सीएम योगी की सभा हुई, जबकि उनकी डिमांड सभी विधानसभाओं में थी। हाटा, रामकोला खड्डा और कुशीनगर में भी आरपीएन सिंह ने ओबीसी मतदाताओं को लामबंद करने में मदद की। मौर्य को मात देने में आरपीएन सिंह को बीजेपी में शामिल कराना मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ। वहीं चुनाव के दौरान मौर्य ने ये दावा किया था कि वो अपने चेले को आरपीएन सिंह के सामने खड़ा कर जिता लेंगे, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। आरपीएन सिंह के सामने मौर्य का सारा खेल फेल हो गया। स्वामी प्रसाद इस चुनाव में बड़बोले भर साबित हो रहे थे। सपा में जाने के बाद स्वामी प्रसाद ने जो दावे किए थे वो सभी खोखले साबित हुए हैं। स्वामी प्रसाद ने बीजेपी छोड़ने के बाद दावा किया था कि उनके पीछे पूरा ओबीसी और दलित समाज सपा के पक्ष में आ गया है, वो बीजेपी को सत्ता से दूर कर देंगे। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य का दावा उनकी सीट फाजिलनगर में भी काम नहीं आया है और बीजेपी ने उनको उनके ही जाल में फंसा कर मात दे दी। योगी और मोदी को चैलेंज करने वाले मौर्य अपनी सीट भी नहीं बचा पाए और अब नतीजों के बाद उनकी भारी फजीहत हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH News। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।